subscribe my YouTube channel Technical Worlds King. हेलो दोस्तों, मैं किशन जीराज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड्स की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेपीजी टू पीडीएफ यानी कि फोटो से जो है पीडीएफ कैसे बनाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे आई लव पीडीएफ। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए और टाइप करने के बाद में हम लोग इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में हमारे सामने जो सबसे पहले जो है वेबसाइट ओपन होकर के आएगी, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसको, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये वेबसाइट का होम पेज जो है ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, वेबसाइट ओपन होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा एवरी टूल यू नीड टू वर्क विथ पीडीएफ इन वन प्लेस, यानी कि जितने भी पीडीएफ के जो टूल हैं वो एक ही जगह पे आपको जो है काम करेंगे, यानी कि जो सारे टूल हैं वो अच्छे से यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नीचे और लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी टूल यू नीड टू यूज पीडीएफ एट योर फिंगर स्पीड, यानी कि आपके उंगलियों के जो है इशारों पर जो है सभी टूल काम करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है आर 100% फ्री एंड यूज इजी टू यूज, यानी कि सभी जो है टूल को यूज करना बिल्कुल फ्री है और काफ़ी आसान है। तो कौन कौन से टूल हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों को टूल मिल जाएंगे मार्च, स्प्लिट, कंप्रेस, कन्वर्ट और रोट, अनलॉक एंड वाटर मार्क पीडीएफ विथ जस्ट ए फ्यू क्लिक, यानी कि आप इनको कुछ ही क्लिक में, कुछ ही सेकेंडों में आप कर सकेंगे। तो आइए हम लोग जो है टूल देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा मार्ज पीडीएफ, पीडीएफ को मार्ज करने के लिए, और स्प्लिट पीडीएफ, पीडीएफ को जो है स्प्लिट करने के लिए, और यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ, वर्ड पीडीएफ टू वर्ड, और यहाँ पे पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ टू एक्सेल, और वर्ड टू पीडीएफ, पावर पॉइंट टू पीडीएफ, और एक्सेल टू पीडीएफ, एडिट पीडीएफ। यहाँ पे एडिट पीडीएफ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे न्यू का लेबल लिख करके आया, यानी कि अभी ये जस्ट इसको जो है अपडेट किया गया है, इस फीचर को नया जो है अभी इसमें ऐड किया गया है। और आइए हम अगला नेक्स्ट जो है देखते हैं। यहाँ पे पीडीएफ टू जेपीजी, यानी कि अगर कोई पीडीएफ है तो अगर उसको आप जेपीजी बनाना चाहते हैं तो जेपीजी भी बना सकते हैं। उसके बाद में जेपीजी टू पीडीएफ, और पेज नंबर, वाटर मार्क, और रोड पीडीएफ, एचटीएमएल टू पीडीएफ, अनलॉक पीडीएफ, यानी कि अगर कोई पीडीएफ जो है लॉक है तो आप यहाँ से जो है उसको अनलॉक भी कर सकते हैं, और प्रोडक्ट पीडीएफ, प्रोटेक्ट पीडीएफ, यानी कि आप अगर अपने किसी जो है पीडीएफ पर लॉक लगाना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां से जो है कर सकेंगे। उसके बाद में ऑर्गेनाइज पीडीएफ, पीडीएफ टू पीडीएफ ए, और रिपेयर पीडीएफ, यानी कि काफ़ी अच्छे अच्छे टूल हैं और काफ़ी जो है लाभदायक वेबसाइट है ये, और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो आइए हम लोग जो है देख लेते हैं जिसपे हम लोग अपना ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे जेपीजी टू पीडीएफ, यानी कि जेपीजी से फ़ोटो से पीडीएफ हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे जेपीजी टू पीडीएफ, और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पे जो अगला जो इंटरफेस हम लोगों को दिखाई देगा वो इस तरह का होगा। तो यहां पे आप लोगों को लिखा मिल जाएगा सिलेक्ट जेपीजी इमेज, यानी कि आप लोगों को जेपीजी इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे। ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद में हम लोगों की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम लोग जो है अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। सो दोस्तों, अब हम जो है अपने इस जेपीजी पे यानी कि अपने फ़ोटो पे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे एक दो सेकंड के लिए, तो ये हमारा फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें से इस तरह से वन बाई वन करके हम जो है फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये फ़ोटो हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर ऊपर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी फ़ोटो जो है ऐड होकर के आ गई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जितना भी जो है फ़ोटो ऐड किया हुआ है, अगर इतना फ़ोटो है तो सही है, अगर नहीं सही है, अगर और भी आप फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस वाले निशान पे क्लिक करेंगे और आपकी गैलरी फिर से ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर जो है अपने और इमेज भी इसी पीडीएफ में ऐड कर सकते हैं।
और मान लीजिए अगर आपका ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे आप लोगों को कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर देना होगा। कन्वर्ट टू पीडीएफ क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो है आपकी इमेज अपलोड होगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और काफ़ी स्पीड में जो है ये वर्क करता है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और ये अधिकतर आप लोगों के जो है नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो हम लोग थोड़ा जो है वेट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जो है बने रहे इस तरह से। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो पे नाइस प्यारा से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों अभी हमारा प्रोसेस जो हुआ है 42% हुआ है, हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से जो है हमारा पीडीएफ कुछ ही मिनटों कुछ ही सेकंडों में जो है बन करके रेडी हो जाएगा अभी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं परसेंटेज काफ़ी जल्दी जल्दी जो है कंप्लीट हो रहे हैं। इस तरह से जो है पूरी तरह से परसेंटेज कंप्लीट हो गए और सारी हमारी जो है जेपीजी फाइल्स जो थी वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे कन्वर्टिंग इमेज टू पीडीएफ लिखने के बाद में यहाँ पे पीडीएफ जो है पूरी तरह से बन करके आ गया है। अब हमको दोस्तों कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिंपली जो है डाउनलोड टू पीडीएफ पे क्लिक कर देना होगा और इस तरह से आप लोगों के सामने पॉपअप मैसेज भी आ जाएगा डाउनलोड का। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से दोस्तों ये पूरी तरह से जो है पीडीएफ बन चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने अपने हाउस का अपने घर का और अपना जो है जेपीजी जो है फाइल डाल करके पीडीएफ बनाया हुआ है। अब इसको दोस्तों कहीं भी शेयर करने के लिए यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर शेयर फाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा, शेयर फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे जिसमें हम लोग जो है अपनी फाइलों को शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हमको WhatsApp पे शेयर करना है तो WhatsApp हम लोग सिलेक्ट करेंगे। WhatsApp सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों हमारे सामने जो है सारे कॉन्टेक्ट आ जाएंगे, इसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम अपनी फाइल को सेंड कर देंगे। ये हमारी फाइल सेंड हो गई है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारी फाइल किस तरह से दिखाई देगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी में, यानी कि HD क्वालिटी में, HD प्लस क्वालिटी में और काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जो है इजी तरीके से जो है हमारा पीडीएफ कन्वर्ट होकर के जो है रेडी हो गया है। तो दोस्तों हमारा जो है जेपीजी टू पीडीएफ बनाने का ये सबसे आसान तरीका है और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पर नाइस प्यारा से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।